Hello, children, how are you? I hope you all are doing good. Children, now we will read The Fisherman Who Rose Too High. A fisherman, enfeebled with age, could no longer go out to sea, so he began fishing in the river. Every morning he would go down to the river and sit there fishing the whole day long. In the evening he would sell whatever he had caught, buy food for himself and go home. It was a hard life for an old man. jo fisherman जो wo age था वो wajah होने की वजह से बहुत कमज़ोर हो गया था इसलिए वो सी में अब नहीं जाया करता था अब वो फिशिंग के लिए जो आसपास की रिवर होती थी वहाँ जाता था वहाँ से जो फिशिंग करके लेके आता था वो उसको बेचता था और अपने घर का जो गुजारा होता था उससे वो पूरा करता था जो खाना अपने लिए ले, खाना लेकर के आना अपने घर में जो अपना हार्ड लाइफ था वो उसको स्पेंड कर रहा था वन हॉट आफ्टरनून वाइल ही ट्राइंग टू कीप अवेक एंड हिज फेट अ लार्ज बर्ड विथ सिल्वर ए फाइटेड ऑन अ रॉक नियर हिम इट वॉज कहा हेवनली बर्ड एक दोपहर में जब वो बैठा हुआ था और अपने भाग्य के ऊपर जो है वो थोड़ा सा पश्चाताप कर रहा था रो रहा था तो अचानक उसके सामने सिल्वरी फेदर की एक बर्ड आई और उस बर्ड का नाम क्या था कहा और वो बर्ड हेवनली बर्ड थी हैव यू नो टू केयर फॉर यू ग्रैंड पा आज द बर्ड नॉट अ सोल बर्ड ने क्या कहा कि क्या तुम्हारी केयर करने के लिए कोई भी नहीं है ग्रैंड पा यू शुड नॉट बी डूइंग सच वर्क एट योर एज सेट द बर्ड

वॉज सून रोलिंग इन मनी अब डेली जो है बर्ड आती थी एक बड़ी फिश लेकर के आती थी क्योंकि बड़ी फिश उस समय बहुत डिमांड में थी तो फिशरमैन के पास जो है जल्दी ही बहुत सारा पैसा आना शुरू हो गया ही बॉट अ कॉटेज नियर द सी विद अ गार्डन अराउंड इट एंड एंगेज अ सर्वेंट टू कुक फॉर हिम हिज वाइफ हैर नाउ ही डिसाइडेड टू मैरी अगेन ही बिगेन टू लुक फॉर अटेबल वुमेन अब उसने क्या करा सी के पास में जो है उसने एक कॉटेज अपने लिए ले, ले लिया वहाँ पे गार्डन भी था उसकी वाइफ की जो है डेथ हो चुकी थी तो उसने सेकेंड मैरिज करी जो उसके लिए सुटेबल वाइफ थी वो उसने उसके साथ शादी कर ली वन डे ही हर्ड द रॉयल क्रायर मेक एन अनाउंसमेंट अवर किंग हैज न्यूज ऑफ अ ग्रेट बर्ड कॉल्ड कहा सेट द क्रायर जो आदमी चिल्ला चिल्ला करके बोल रहा था उसने उसने क्या उसने क्या कहा कि मेरे जो राजा हैं उनके पास जो है आ, कहा बर्ड की न्यूज है हु एवर कैन गिव इंफॉर्मेशन अबाउट दिस बर्ड एंड हेल्प टू कैच इट विल बी रिवॉर्डेड विद हाफ द गोल्ड इन द रॉयल ट्रेजरी एंड हाफ द किंगडम जो भी उस बर्ड के बारे में बताएगा उसको रिवॉर्ड किया जाएगा क्या दिया जाएगा कि जो शाही खजाने में जो सोना है आधा सोना और किस आ, साम्राज्य की आज साम्राज्य का आधा खजाना जो है उसको दिया जाएगा द फिशरमैन वॉज सोली टेम्पटेड बाय द रिवॉर्ड हाफ द किंगडम वुड मेक हिम अ प्रिंस अब वो उसको लाला चाह गया फिशरमैन को लाला चाह गया कि हाफ जो साम्राज्य का जो जो राजसी खानदान है उसका अगर उसको आधा न, मिल जाएगा रिवॉर्ड में तो वो तो प्रिंस बन जाएगा व्हाइट हज द किंग वॉन्ट द बर्ड ही आस्ट ही हैज लॉस्ड हिज साइट एक्सप्लेन द क्रायर अ वाइज मैन हैज एडवाइज हिम टू बेद हिज आईज इन द ब्लड ऑफ कहा बर्ड डू यू नो वेर इट कैन बी फाउंड अब कहा बर्ड क्यों चाहिए थी उसको क्योंकि जो उसकी दृष्टि थी वो खो गई थी वो देख नहीं पाता था तो उसके लिए एडवाइस था कि कहा का ब्लड से अगर वो वॉश करेगा तो अगर उसके नहाएगा तो वो उससे क्या होगा उसकी आंख ठीक हो जाएगी नो आई मीन नो नो टॉर्न बिटवीन ग्रीट एंड सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड टू द बर्ड द फिशर मैन कूड नॉट गिव अट रिप्लाई द क्रायर सेंसिंग दैट ही नोज समथिंग अबाउट द बर्ड इनफॉर्म द किंग द किंग हैड हिम ब्रॉड टू दैलेस अब क्योंकि बर्ड ने उसके ऊपर एहसान किया था तो वो ओल्ड मैन जो है ना तो वो बता पा रहा था क्योंकि वो ग्रेटिट्यूड जो बर्ड के लिए उसके अंदर जो गेटीट्यूड था वो उसको खत्म नहीं करना चाहता था और दूसरी तरफ उसको लालच भी था अब वो क्लियर रिप्लाई जब नहीं कर पा रहा था तो जो क्रायर था वो समझ गया कि ये इसको पता है तो उसने राजा को बता दिया राजा के सामने उसको महल में लाया गया इफ यू हैव इंफॉर्मेशन अबाउट द बर्ड टेल मी अर्थ द किंग आई विल रिवॉर्ड यू हैंडसमली एंड इफ यू हैव टू कैच इट आई विल पर्सनली क्राउन यू किंग ऑफ हाफ माई डोमेन राजा ने उसको क्या लालच दिया कि अगर तुम उसे पकड़ के मुझे ले आओगे तो मैं क्या करूंगा तुम्हें अपने एरिया का आधा साम्राज्य का तुम्हें जो मैं क्राउन तुम्हारे सिर पर राजा का पहना दूंगा आई विल गेट द बर्ड फॉर यू क्राइड द फिशरमैन सडनली मेकिंग अप हिज माइंड बट कहा इज ए स्ट्रांग आई विल नीड हेल्प अब उसने क्या कहा कि मैं तुम्हारे लिए बर्ड पकड़ के ले आऊंगा लेकिन कहा बहुत स्ट्रांग है मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत होगी द किंग सेंट अ डजन मैन विथ हिम That evening, when the bird came with the fish, the fisherman called out to her to wait. You drop the fish and go, and I never get a chance to thank you for all that you have done for me, he said. Today I have laid out a feast for you inside. Please alight and come in. The kaha was reluctant to accept the. invitation because the fisherman pleaded प्लेड इट सो अनेस्टली दैट शी फाइनली गेव इन एन अब उसने क्या करा फिशरमैन ने उसको लालच दिया कि तुमने मुझे रोज़ मेरी हेल्प करी है मैंने तुम्हें थैंक्स पे नहीं करा तो इसलिए तुम आज अंदर आओ मैं तुम्हें बढ़िया सा फेस दूंगा और उससे जो है क्या होगा मैं तुम्हारा थैंक पे कर पाऊंगा लेकिन स्टार्टिंग में बर्ड की इच्छा नहीं थी लेकिन जब उसने बहुत रिक्वेस्ट करी तो फाइनली वो बर्ड अंदर आ गई The moment she was on the ground, the fisherman grabbed one of her legs and shouted to the soldiers hiding in his house to come out. They rushed to his aid, but their combined efforts could not keep the Kaha down. She rose into the air with the fisherman, still clinging on her leg. When he caught her and the soldiers hiding there to come कोई भी जो है कहा बर्ड को नहीं पकड़ पाया कहा बर्ड जो है फिशरमैन uh, को लेकर के ही ऊपर उड़ गई। टाइम ही he ही he being carried कैरीड अवे द फिशरमैन too टू हाई इन द एयर टू लेट गो ही हंग grimly, and एंड he ही नॉट द कहा एवर सीन अगेन फाइनली जो बर्ड थी वो कहा उसको फिशरमैन को लेकर अपने साथ चली गई और उसके बाद ना तो कहा और ना ही फ़िशरमैन दोबारा उसको कोई देख पाया तो देखा बच्चों लालच का फल हमेशा बुरा होता है हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए आई होप इट इज़ क्लियर टू यू नाउ इट्स टाइम टू रिवाइज यू कैन रिवाइज इट